हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज के और ज़्यादा और अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह आग्रह है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे बिना किसी देरी के। तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। विस्तार के साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। वॉश चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था? तो जोरा सांको में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 को कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता कहलाता है, के जोरा सांको में तथा मृत्यु 5 दिसंबर 1951 को हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई है? तो यह डीपी राय चौधरी, यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है। तो चलिए इनकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है। ये ओरिएंटल आर्ट स्कूल कलकत्ता के शिक्षक तथा रविंद्रनाथ टैगोर के योग्य शिष्य थे। वे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे। इससे पूर्व वे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट मद्रास, जो अब चेन्नई में है, में पहले विद्यार्थी के रूप में, तत्पश्चात विभागाध्यक्ष, उप प्राचार्य और सेनानिवृत्त, जो कि 1998 ईस्वी में थे, तक प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल रहे। ध्यातव्य हो कि इसी कॉलेज को मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है। उन्होंने बंजारों, मछुआरों तथा पहाड़ी जीवन के से संबंधित अनेक चित्र बनाए। वर्ष 1958 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। श्रम की विजय यानी ट्रम्प ऑफ लेबर मद्रास की मरीना बीच पर बनाया गया है, इसमें जिसमें काम करते हुए लोगों के शरीर की बनावट स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह मूर्ति लेबर एट वर्क, श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत को चित्रित करती है, जो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है? तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो यह जो है डीपी राय चौधरी की बनाई हुई है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? तो देवी प्रसाद राय चौधरी या डीपी राय चौधरी ने किया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी कुछ थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। शहीद स्मारक पटना में स्थित है, जिसमें 7 वीर पुरुषों की कांस्य प्रतिमा लगी है। वर्ष 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान पुराने सचिवालय भवन पर कांग्रेसी झंडा लहराया था। इस शहीद स्मृति का निर्माण जो है पटना में देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया था, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक वीर पुरुष झंडा ले जा रहा है, जिस तथा 6 अन्य ब्रिटिश पुलिस के गोली लगने से नीचे गिर गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके देख लेते हैं। शहीद स्मृति का निर्माण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए 7 बहादुर युवाओं की स्मृति में पटना में किया गया है। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? तो इस पे स्टार बना है, यानी कि इसका सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं व्याख्या में क्या है। देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार से अधिक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये वर्ष 1953 में ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने। श्रम की विजय, शहीद स्मारक, ध्वंस देवता, स्वतंत्रता स्मारक, अंतिम प्रहार, भूटिया और तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की आदि इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। प्रश्न में यह स्पष्ट है कि इनका सर्वाधिक योगदान किसमें है।
अतः चित्रकार एवं मूर्तिकार दोनों उत्तर माना जा सकता है, किंतु यदि सर्वाधिक योगदान के रूप में माने जाएं तो विकल्प सी अर्थात मूर्तिकार सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक एवं अंतिम कुंजी में विकल्प सी को माना, यानी कि मूर्तिकार सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी थे तो इनमें से मूर्तिकार थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी थे तो मूर्तिकार थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से मूर्तिकार कौन है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें मूर्तिकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देवी प्रसाद राय चौधरी एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा के पूछते हैं ताकि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो। निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ नंदलाल बोस ने सज्जित किया। नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों के लिए भी चित्र बनाए थे। नंदलाल बोस ने लखनऊ, फैजपुर व हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलनों के पंडालों की सज्जा बंगाल की पटुआ कला के आधार पर की थी। इस कलात्मक सज्जा में उन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन का अवलोकन चित्रों के माध्यम से किया था। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी, तो नंदलाल बोस ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था, तो नंदलाल बोस ने सजाया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आज के हमारे और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का सफर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से सुना हो, समझा हो, देखा हो, लिख लिख कर देखिएगा, तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर हर दिन करिए, पीछे का रिवीजन करते रहिए, पॉज कर करके देखिए, शेयर भी कर दीजिए किसी और को, ज़रूरत हो तो उसका भी भला हो जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, नमस्कार।